बिल्कुल बिल्कुल, ये जो मांग रहे हैं वही बाला दे रहे हैं अब, क्योंकि इनको तो बहुत 10 बार बेचारे कह चुके हैं। अरे मुझे माफ करना लोगों, मुझे माफ करना लोगों, गुस्सा इसी ग्राम में जब प्रोग्राम हो रहा था क्रांतिमाला जी से, दो राउंड प्रोग्राम हो पाया, इसके बाद पानी गिरने लगा तो पूरा गीत नहीं सुन पाए। आज तक भैया याद किए हैं, सुनिएगा हुआ क्या। तो लेते गोदी में ये गिर पड़े हैं तो केवल एक युग ले रहा हूँ, परेशान नहीं करूंगा आपको, केवल एक युग द्वापर का ले रहा हूँ मैं बस। क्या बात बड़े। शिशुपाल की माँ कहने लगी कन्हैया से, रुदन कर बोली कन्हैया से जोड़ कर के बचन, अरे हो मौत उसी कर से ये देव की वाणी है। ये आकाशवाणी ने कह दिया था कि जिसकी गोदी में ये दो हाथ और एक आंख गिर जाएगी उसी के हाथों इसकी मौत होगी, इसलिए सुनिए। अरे तेरे ही निशाने पे ये मेरी निशानी है, क्योंकि केवल तुम्हारा ही निशाना है जिससे इसकी मौत हो सकती है, वरना कोई इसे मारने वाला नहीं है। अगली बात सुनिए। देखो क्या लाया
जीत कर लाए थे द्रौपदी, ये नहीं बताया कि हम द्रौपदी को लाए हैं। अर्जुन ने केवल ये कहा कि मैया हम कुछ लाए हैं। देखो क्या लाया आज मैया, बोले खिलकर माता थी व्यस्त, हंस के बोली बाट लो मिलकर। केशव ने द्रौपदी से, अरे केशव ने द्रौपदी से, अरे चर्चा ये बखानी है। तो अर्जुन से कहा केशव, अरे तेरे ही निशाने से, तेरे ही निशाने से ये मिली सबको निशानी है। क्या बात, तेरे ही निशाने से ये मिली सबको निशानी है। केवल द्वापर युग में, पहली बात है अब तेरे निशाने पे ये मेरी निशानी है। कन्हैया ने समझा दिया, क्योंकि द्रौपदी ने कहा कि हे केशव, मैंने ऐसा कौन सा गलत काम किया था जो मुझे एक पति के बजाय पांच पति मिल रहे हैं। मैया ने कह दिया बांट लो मिलकर, क्या मैं कोई बांटने वाली चीज हूँ। तो कन्हैया ने कहा नहीं, इसमें तेरी गलती नहीं है, तूने अगले जन्म में पांच बार भोले बाबा से कहा था वर दो वर दो वर दो वर दो, ये है इसलिए तुझे पांच वर मिले हैं। आवाज बढ़े इसलिए सुनिएगा। अगली बात हुआ क्या, जब अभिमन्यु का वध हो गया तो अर्जुन जब समर भूमि में गए तो उन महारथियों से कहने लगे, महारथियों ने निहत्थे को आके घेरा था, तो कई सियारों ने मिलके मारा, अरे कई सियारों ने मिलके मारा मेरा शेरा था। अरे अगर तुम लोग शेर होते तो एक एक करके लड़ लेते तो मैं जानता। सात महारथियों ने घेर के मार डाला अभिमन्यु को। तो देखिए कहा अर्जुन ने, अरे करतूत किसी की कितनी ये बात भी जानी है, और तुम सब के निशाने से, अरे कई मेरी निशानी है, तुम सब के निशाने से, तुम सब ये गई मेरी निशानी है, सब के निशाने से ये गई मेरी निशानी है। सबसे ज्यादा गलत किया था, मरने के बावजूद जिस पे बाण चलाए, जयद्रथ था वो, तो जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा कर ली अर्जुन ने। तो देखिए हुआ क्या, सांझ होते ही पांडु नंदन वो अकुलाए हैं, क्योंकि शाम तक जयद्रथ को जब अर्जुन ने नहीं मार पाया, सचदेवा जी, शाम तक जब अर्जुन ने जयद्रथ को नहीं ढूंढ के मार पाया तो भगवान किशन ने अपनी माया से सूर में बदली ढक ली, और बदली होते ही निकल आया जयद्रथ। तो देखिए हुआ क्या, सांझ होते ही पांडु नंदन वो अकुलाए हैं, मेरी जून निकला इधर सूर निकले
कहने लगा अर्जुन से, चलो चिता में अपनी जान दो, शाम तक नहीं मार पाया मुझे। इतने में भगवान कृष्ण ने अपनी माया को हटा दिया और सूर भगवान ज्यों ही निकले तो कन्हैया ने कहा अर्जुन से, अर्जुन हे पार्थ खत्म कर दो, हे पार्थ खत्म कर दो, अब इसकी कहानी है। अर्जुन ने कहा जयद्रथ भाग ले जितना भाग सकता है, क्योंकि अब मेरे निशाने पे, अब मेरे निशाने पे, अरे मिटे तेरी निशानी है, अब मेरे निशाने पे, मिटे तेरी निशानी है। चाटी बोल ले तुम्हारे छोटा के मुझे माफ करना लो, बेस वाला खोल दीजिए तो भैया, बेस देख लीजिए, वैल्यू बढ़ा लीजिए बेस का। मैंने शराब तो नहीं पी है पर प्रभु प्रभु के चरणों का चरणा हमरा जरूर पिया है। बेस वाला बंद है तो मुझे माफ करना लोगों, गुस्ताखी मैंने की है तो मैं होश में नहीं हूँ, अरे मैंने शराब पी है। बढ़िया, मैं होश में नहीं हूँ, और मैंने शराब पी है, मैं होश में नहीं हूँ, मैंने शराब पी है, मैं होश में नहीं हूँ। जो तुमको बतानी है, आपने कहा निशानी है, तुम्हारे निशाने से निशानी है, सिर्फ एक टुकड़े में जवाब दूंगा आसंदी प्रशांत भैया, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा। के सुनो बात ये कन्हैया, जो तुमको बतानी है, गंधारी कहने लगी के सुनो बात ऐ कन्हैया, अरे जो तुमको बतानी है तो बस तेरे निशाने पे, अरे बस तेरे निशाने पे, अरे मिट्टी मेरी निशानी है, यही में तेरा निशाना ना होता तो मेरे सौ के सौ पुत्र मारे न जाते हैं, निशाने से मेरी मिट्टी कोख की निशानी है।
तो तेरे निशाने सुना दूं।